असलम स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्क ऑफ वीक टू फर्स्ट ऑफ़ ऑल रीड यूनिट नंबर टू नात एंड देन सॉल्व द एक्सरसाइज गिवेन ऑन द बुक सबक नंबर दो नज़म नात की पढ़ाई करनी है नई इस किताब पर दिए गए मशकी सवाल हल करने हैं सफा नंबर नौ से ग्यारह टू ओपन योर टेक्सट बुक हेयर इज़ सबक नंबर टू नात यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको अच्छे से रीड करना है अच्छे से पढ़ लेना है उसके बाद हम लोग आते हैं सफ़र नंबर आठ पर यहाँ से लेकर आपने आगे तक एक्सरसाइज को पढ़ना है उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएँ आओ सीखें मुनासिब लफ्ज लगा कर मिसरे मुकम्मल करें बाद से निकले बात लफ्जों का खेल आराब लगा के मायने लिखें आओ पढ़ें कवायद सीखें और आओ लिखें आफ्टर दैट वी है वर्कशीट टू सॉल्व वर्कशीट नंबर दो हल करें वी विल ओपन वर्कशीट नंबर टू

आज से 15 बीस साल पहले कुतुब बीनी का रुझान बहुत ज़्यादा था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब टीवी, इंटरनेट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने इंसान को किताबों से दूर कर दिया है जो अच्छी बात नहीं यह ठीक है कि इंटरनेट टीवी वगैरह के बहुत से फ़वाद हैं लेकिन किताब की अहमियत अपनी जगह है आज से आप भी मुताले की आदत अपनाएं और रोज़ किसी अच्छी किताब के चंद सफहत पढ़ें सवालात इंसान का बेहतरीन दोस्त कौन है अभी जैसे मैंने ऊपर पैराग्राफ रीड किया आपको पता चल ही गया होगा कि इंसान का बेहतरीन दोस्त कौन है पैराग्राफ में से आपने उस आंसर को निकाल कर यहां पर लिखना है और खुश खत लिखना है राइटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए अकेले वक्त में इंसान का दिल कौन बहलाता है ये भी इसी में मौजूद है आजकल कुतुब बीनी का रुझान क्यों कम हो गया है आइंदा के लिए आपने क्या आदत अपनानी है इसी पैराग्राफ में से आपने ये सब आंसर निकाल के यहाँ पर लिख देने हैं हमारी वर्कशीट मुकम्मल हो जाएगी एंड देन सरगर्मी नबी करीम अलैहि वसल्लम की कोई हदीस ढूँढें और इसका तर्जुमा तहरीर करें हम लोग कोई एक हदीस ढूँढेंगे आप लोग अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स से या किसी भी बड़े से हेल्प लेकर यह हदीस ढूँढ सकते हैं इंटरनेट में से देख सकते हैं जैसे मुझे कि एक याद है मल्लाहम ला मल्लाहम ला जो रहम नहीं करता जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता उस पर रहम नहीं किया जाता जैसा कि मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें कही उन्हें हदीस कहा जाता है और जो भी हदीस हम लिखते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है ओके okay. आज का हमारा दूसरे हफ्ते का काम भी कम्प्लीट हुआ स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़